आज मैं धोती स्टाइल साड़ी पहनने का बहुत ही इजी तरीका आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप बॉर्डर वाली साड़ी ले रहे हो ना, तो उसका बॉर्डर बहुत ही शुरुआत से होना चाहिए। कुछ कुछ साड़ी में बहुत ज़्यादा गैप के बाद बॉर्डर शुरू होता है, वो नहीं चलेगी। और इस तरह से देखें, दो हाथ से मैंने नाप लिया है, दो हाथ जितना लंबा फैब्रिक जो है वो लेफ्ट साइड में आपको लेना है। और इस तरह से कमर से घुमाते हुए आपको वो फैब्रिक ले लेना है साड़ी का, और सामने की तरफ नॉट बना लेना है। यानी कि लेफ्ट साइड में जो फैब्रिक है वो राइट साइड के फैब्रिक से थोड़ा सा कम रहेगा, बिल्कुल आधा नहीं लेना है आपको, पर थोड़ा सा कम लेना है। अब इस तरह से इस फैब्रिक को अपने पैरों के नीचे से लेते हुए पीछे की तरफ से निकाल लें, और साड़ी के इस हिस्से को इस तरह से ले लें। उसके बाद आपको बनानी है छोटी छोटी प्लीट्स, कुछ 4 से 5 प्लीट्स बनेंगी। इस तरह से लेते हुए उसे पीछे की तरफ ले जा करके अपनी साड़ी के अंदर ही आपको टक इन कर लेना है। आपको जितनी लंबी चाहिए साड़ी उतनी ही लंबी उस हिसाब से टक इन कर लें, नीचे बहुत ज़्यादा लंबा ना छोड़ें। उसके बाद साड़ी के इस फैब्रिक को लेना है, और जितनी चौड़ी आपकी बॉर्डर है उतनी ही चौड़ी सामने प्लीट्स बनानी है। यहाँ भी कुछ 3 से 4 प्लीट्स बनेंगी। इस तरह से आपको बना लेना है, और उसके बाद उसे थोड़ा सा ऊपर खींचते हुए, जितना कि आपके पैरों के नीचे साड़ी ना आए बस उतना ही ऊपर आपको खींच लेना है, और उसके बाद सामने ही साड़ी के अंदर आपको इसे टक इन कर लेना है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरती से जो बॉर्डर है सामने की तरफ आ गया है। और अब लेफ्ट साइड का कंप्लीट, अब आपको राइट साइड की तरफ आना है। अब राइट साइड की साड़ी के फैब्रिक को भी इस तरह से पैरों के नीचे से लेते हुए पीछे से आपको निकाल लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फैब्रिक है ना, उसे भी आप 3 से 4 प्लीट्स बना लें। अगर साड़ी बहुत ज़्यादा लंबी है तो 3 से 4 प्लीट्स बनेंगी, और अगर थोड़ी छोटी है तो 1-2 प्लीट्स बनेंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरह से उस फैब्रिक को आप पीछे की तरफ साड़ी के अंदर ही टक इन कर लें। ज़रूरत पड़ने पर सेफ्टी पिन लगाएं, इससे आप बहुत ही सिक्योर महसूस करेंगे और आपकी साड़ी खुलने का कोई डर नहीं रहेगा। अच्छी तरह से सेट करते हुए अब आपको बनाना है पल्लू। तो पल्लू की चौड़ाई आप जितनी रखोगे उतनी आपकी मर्जी है, पर चौड़ी पल्लू अगर रखते हो ना तो आप बहुत ज़्यादा मोटे दिखने लग जाते हो। तो पल्लू की चौड़ाई बहुत ज़्यादा ना रखें, जितना हमारा बॉर्डर है ना उतनी ही चौड़ाई अगर आप रखेंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरह से जब आप अपने पल्लू को बना लें, उसे अच्छी तरह से सेट कर लें, सभी प्लीट्स को एक बार अच्छी तरह से पकड़ लें और उसे अपने लेफ्ट शोल्डर पर रख लें, सेफ्टी पिन लगा करके अच्छी तरह से सिक्योर कर लें। और गाइज यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि धोती स्टाइल की साड़ी अगर आप बॉर्डर वाली साड़ी के साथ पहन रहे हो तो बॉर्डर की शुरुआत बिल्कुल स्टार्टिंग से होनी चाहिए, और इस साड़ी को आप पैंट्स या फिर लेगिन के ऊपर ही पहन पाओगे, पेटीकोट या फिर स्कर्ट के ऊपर नहीं पहन पाओगे। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप धोती स्टाइल की साड़ी बॉर्डर वाली साड़ी के साथ ही पहन सकते हो, प्लेन साड़ी के साथ भी आप इस स्टाइल की साड़ी पहन पाओ। और गाइज धोती स्टाइल साड़ी पहनने से पहले वॉशरूम जरूर होकर आए, क्योंकि इस स्टाइल की साड़ी पहनने के बाद वॉशरूम जा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।